हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मिडिल टर्म के बारे में, ठीक है, और जनरल टर्म के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे थे, मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इंटीग्रल और एंड फ्रैक्शनल पार्ट। देखो एक एग्जांपल लेके हम इसको समझेंगे पहले, उसके बाद मैं आपको इसका एल्गोरिदम बताऊंगा कि कैसे इसको करते हैं। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हमें फाइंड करना हो, इन ऑर्डर टू फाइंड द इंटीग्रल एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी रूट सी टू पावर एन। ठीक है, इस फॉर्म में जहाँ पे ए बी और सी और एन जो है सारे नेचुरल नंबर हैं, ए बी सी एंड एन आर नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर हैं और हमें इसका एक्सपेंशन करना है। ठीक है, तो देखो भाई इसको ऐसे समझ नहीं पाएंगे हम। ठीक है, अब देखो इतना इंग्लिश मैंने लिख दिया, वो भी तुम नहीं समझ पाओगे, मतलब तुम लोग समझ लोगे लेकिन इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैथ्स पढ़ें तो मैथ्स में हमें क्या है कि हमें मैथमेटिकल टर्म में ही समझना होगा। ठीक है, तो चलो सपोज़ करो आर इज़ एनी इरेशनल नंबर, तो आर इज़ इक्वल टू हमने लिख दिया क्या, फाइव रूट फाइव प्लस वन टू पावर टू एन माइनस, सॉरी टू एन प्लस वन। ठीक है, फाइव रूट फाइव प्लस वन टू पावर टू एन प्लस वन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि f जो है इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, लेट f इज़ इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, देयरफॉर f इज इक्वल टू r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन r। ठीक है, तो अब देखो जैसे हमने r इज इक्वल टू फाइव रूट फाइव प्लस वन टू पावर टू एन टू एन माइनस टू एन प्लस वन लिया है। ठीक है, तो और मान लेते हैं g क्या है, फाइव रूट फाइव माइनस वन टू पावर टू एन प्लस वन। ठीक है, g है, तो हमें ये साफ पता चल रहा है, देखो यहाँ से साफ पता चल रहा है जी की वैल्यू कहाँ से लाइक जी की वैल्यू लाइक करेगी कहाँ से कहाँ तक, जीरो से वन तक, यहाँ से क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, फाइव रूट फाइव माइनस वन टू पावर टू एन प्लस वन, तो जी की वैल्यू लाई बिटवीन जीरो एंड वन। ठीक है, अब ध्यान से देखना आर माइनस जी क्या होगा, आर माइनस जी क्या होगा, आर की वैल्यू और जी की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव रूट फाइव प्लस वन टू पावर टू एन प्लस वन माइनस फाइव रूट फाइव माइनस वन टू पावर टू एन प्लस वन। ठीक है, ये आर और जी की वैल्यू पुट करने पे, तो आर माइनस जी की वैल्यू, अब देखो ये हमें पता है कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इन दोनों का एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, वो वैल्यू हम रख लेंगे। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 2n+1 सी 1 5√5 टू पावर n n नहीं होगा यहाँ पे, 2n+1-1 इज इक्वल टू 2n हो जाएगा, ठीक है 2n हो जाएगा। अच्छा वहाँ पे यहाँ पे हमने 1 लिया ना, इसको क्या करते हैं हम 11 कर लेते हैं, ठीक है 1 से तो ये 1 ही हो जाएगा, और कोई और नंबर लिखेंगे तो हमें कट पिट करना पड़ेगा, इससे बढ़िया हम इसको 11 कर लेते हैं। तो 5√5-11, ठीक है तो 5√5 टू पावर 2n और 11 टू पावर 1, ठीक है प्लस ये आगे बढ़ता जाएगा, टू एन माइनस वन सी 3 5√5 टू पावर क्या हो जाएगा 2n-2 हो जाएगा, 2n-1 2n+1 है ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2n+1 है तो 2n+1 तो 2n-1 हो जाएगा, यहाँ पे 2n+1-3 इक्वल टू 2n-1 -2 हो जाएगा, 2n+1-3-2 और 11 टू पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है ये आगे बढ़ता जाएगा। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये r-g क्या होगा, r-g इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाइड है तो इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा, इज इवन नेचुरल नंबर, ठीक है r-g। तो देखो अब r की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी f+r, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो f+r-g इज इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर, ठीक है सेम है इवन नेचुरल नंबर, चलो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा ये लेकिन समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे, ठीक है। तो देखो अगर हम ये फ्रैक्शनल पार्ट को या ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट को इस साइड ले आते हैं तो f-g क्या हो जाएगा, f-g कोई इंटीजर आ जाएगा, ठीक है ना, कैन बी एनी इंटीजर, ठीक है अब देखो या f-g ये भी हो सकता है, f-g इज इक्वल टू 0 सिंस, क्यों भाई एक बार मैंने इंटीजर कहा फिर जीरो कर दिया क्यों भाई, देखो यहाँ पे रोल है किसका, आर का, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट आर का, जो एफ जो है सिंस एफ इज ग्रेटर देन 0 अच्छी बात है, और जी जो है इज लेस देन 1 देयरफोर f-g कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, f-g लाई बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है f-g जो है -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो f-g किसके बराबर होने चाहिए,
एफ एन एस जी इज इक्वल टू फाइव रूट फाइव माइनस इलेवन एफ माइनस जी ने एफ इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू फाइव रूट फाइव माइनस इलेवन टू पावर टू एन प्लस वन। ठीक है भाई, अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट हिंस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फाइव रूट फाइव प्लस वन प्लस इलेवन टू पावर टू एन प्लस वन और टू एन प्लस वन इज फाइव रूट फाइव माइनस इलेवन टू पावर टू एन प्लस वन। ठीक है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये हो जाएगा। अब मान लो कि हम कोई रेशनल नंबर, ये फ्रैक्शनल पार्ट का बताया मैंने, ठीक है। अब मान लो कि कोई इरेशनल नंबर, लेट एनी इरेशनल नंबर टी आई ओ आई ओ एन एल इरेशनल नंबर फाइव प्लस टू रूट सिक्स टू पावर एन। ठीक है, और जो है आई और एफ जो है इसके इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट हैं इसके, ठीक है, आई और एफ। तो फाइव प्लस टू रूट सिक्स टू पावर एन इज इक्वल टू आई प्लस एफ हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, और मान लो जी इज इक्वल टू क्या है, एंड लेट जी इज इक्वल टू फाइव माइनस टू रूट सिक्स टू पावर एन। ठीक है, ये जी है, देन I प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव प्लस टू रूट सिक्स टू पावर n प्लस फाइव माइनस टू रूट सिक्स टू पावर n। ठीक है, तो I प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू आई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू टू इंटू एन सी ज़ीरो फाइव टू पावर एन प्लस एन सी टू फाइव टू पावर टू एन माइनस सॉरी एन माइनस टू इंटू टू रूट सिक्स टू पावर टू प्लस एन सो ऑन। ठीक है, तो देखो आई प्लस एफ प्लस जी यहाँ से पता चल गया टू से मल्टीप्लाइड है तो इवन नंबर। ठीक है ना, एंड एफ प्लस जी क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, क्योंकि एफ प्लस जी इज इक्वल टू आई है, क्यों भाई, क्योंकि एफ जो है जीरो से छोटा, वही सेम कंडीशन, जी जो है वन से छोटा, देयरफॉर एफ प्लस जी लाई बिटवीन जीरो एंड टू। ठीक है भाई, तो एफ इज इक्वल टू वन माइनस जी, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फाइव प्लस टू रूट सिक्स टू पावर एन इज वन माइनस फाइव माइनस टू रूट सिक्स टू पावर
एन, ये होगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो देखो इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट निकालने का दो अलग अलग समझे हमने तरीका समझा। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है ये और कॉन्सेप्ट भी थ्योरेटिकल टाइप का है। तो बात करेंगे इसके एल्गोरिदम की, तो इसका एल्गोरिदम लिख लो भाई, बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतना तो कोई नहीं याद रखने वाला। एल्गोरिदम कहता है पहला स्टेप है, पहले क्या करेंगे, पहले स्टेप में लिख लेंगे राइट द गिवन एक्सपेंशन इक्वल टू राइट द गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू आई प्लस एफ। ठीक है, जहाँ पे I इज इट्स इंटीग्रल पार्ट, I इज इट्स इंटीग्रल पार्ट एंड F इज फ्रैक्शनल पार्ट, तभी आई और एफ इसका नाम दिया गया। ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, डिफाइन जी, जी में हमने साइन चेंज कर दिया था, प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दिया था, डिफाइन जी बाय रिप्लेसिंग प्लस साइन इन द गिवन एक्सप्रेशन बाय माइनस साइन। ठीक है, प्लस को माइनस से रिप्लेस कर देंगे, जी बन जाएगा एंड जी जो है लाई बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा, ठीक है तीसरा पॉइंट हमने क्या किया, इधर एड जी हमारे पहले में आई प्लस एफ में, इधर एड जी टू द एक्सप्रेशन इन स्टेप फर्स्ट में जो भी एक्सप्रेशन आई आई प्लस एफ, ठीक है उसमें जी को ऐड करेंगे, या तो सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट जी फ्रॉम द एक्सप्रेशन इन द स्टेप फर्स्ट, सब्सट्रैक्ट जी फ्रॉम एक्सप्रेशन इन स्टेप फर्स्ट RHS क्या होगा इज एन इंटीजर। ठीक है, RHS इज एन इंटीजर। स्टेप फोर लिखेंगे, इफ G इज एडेड टू द एक्सप्रेशन इन स्टेप फर्स्ट, अगर G जो है स्टेप फर्स्ट में हमने ऐड किया है अगर, तो जी प्लस एफ विल ऑलवेज कम आउट टू बी इक्वल टू विल ऑलवेज कम आउट
टू बी इक्वल टू वन, ठीक है, हमेशा जी प्लस एफ वन आएगा, ठीक है, दैट इज जी मतलब कि क्या होता है जी प्लस एफ इज इक्वल टू वन, यानी जी इज इक्वल टू वन माइनस एफ. इफ जी इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन, इफ जी इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन, ठीक है, अगर जी को सब्सट्रैक्ट किया होगा हमने तो इट ऑलवेज कम आउट टू बी इक्वल टू इक्वल टू एफ, ठीक है भाई. नाउ स्टेप फाइव इज, स्टेप फाइव हमारे काम की चीज़ है, रिजल्ट ही दे देगी सीधे, ठीक है. ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द डिजायर्ड एक्सप्रेशन आफ्टर गेटिंग f in terms of g, g के टर्म में f आने के बाद हमें अपनी वैल्यू आ जाएगी, हमें अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो ये था हमारा एल्गोरिदम फॉर द टू फाइंड द फ्रैक्शनल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी बायनोमियल थ्योरम, ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और छोटे छोटे टर्म्स बाकी हैं हमारे, ठीक है, उनके साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं, ठीक है. टिल देन थैंक यू, बाय.